ज्यादती करते हैं ज्यादती। कोई नहीं, कब तक है ना सबा, इंशाल्लाह। अच्छा आए, तुम लोग क्या करने आए हो? क्यों, ये क्या करने थे हमने? काबा हमारे घर कौन सा है नहीं। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मुझे लगता है इसका तो महीने के राशन का खर्चा बच जाता है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी अल्लाह ताला की रहमत और शुक्र के साथ करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। अच्छा, ये इसलिए कह रही है क्योंकि आज फिर हम मामा की तरफ आए हैं और ये बना रही है स्टेक्स, बना रही है लज़ानिया। ये लज़ानिया है सब? ये लज़ानिया। अच्छा, ये लज़ानिया और ये हनीकॉर्न ब्रेड और ये मेरी वाली छोटी, ये बड़ी चिकन और चीज़। वाओ, ये मेरी मोस्ट फेवरेट होती थी। ठीक है, ये बहुत बना। और मैं पहली बार बीफ के स्टेक्स बना रही हूँ। बीफ स्टेक्स हैं ये बीफ हैं, ये दो चिकन के हैं हमारे सुनील भाई। वाओ, ये तो बड़ी अच्छी है, फिर तो साली अच्छी है। ये देखे, ये अभी हमने, ये इसने बेक के लिए करना है अभी। और सबा, ये तो लज़ानिया नहीं है, लज़ानिया का शीट खत्म हुई थी, मैंने ऊपर थोड़ा मैक्रोनी भी डाल दी। मैंने कोई आज इस बार मैं नए स्टाइल से लज़ानिया बनाया, आने वाला नहीं बनाया मैंने। बट तो सबा इसकी लो फ्लेम करो, ये बीफ की स्टेक है ना, ये पकने में थोड़ा टाइम लगे। मैंने उसके अंदर पका ली है, इसके अंदर नहीं पका ली, पर फिर भी वो कर लो ना, थोड़ी सी सेक लगता रहेगा तो पकती रहेगी। अच्छा, आप लोग मेरे व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना नहीं भूलना और प्लीज़ वॉचफुल किया करें। आप लोग आधा ही देख दुख के बंद करते थे, बड़े ये ख़राब है सफ़ा मेरे जैसे। हाँ, बहुत ज़्यादा ज्यादती करते हैं ज्यादती। शादी के बाद मेरी तरफ से बीसी चैनल पे व्लॉग लाया करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, शायद हम ये काम करें तो फिर ये भी व्लॉग्स डाला करेगी और मैं भी इंशाल्लाह इस पे इसे मैं सिखा दूंगी। अभी जाहिर है मैंने भी तो सीखा था, मेरा यूट्यूब की तरफ इतना रुझान नहीं और ना ही शराबी का इसमें ज़्यादा है। हाँ, मेरा भी नहीं था लेकिन अब अच्छा, ये रेड सॉस इस दफ़ा बनाई है। जब बनाई तो रेडी थी, जितना इन्होंने इंतज़ार किया वो ब्लैक होने लग गई है। मैंने कहा शायद दिल तो सना भी। हाँ यार, वो ना ज़रा मुझे चक्की देखा था क्योंकि अभी इसमें भी बटर ऐड होना है। किसका? इसका। ये क्या है? मैश पोटैटोस। वो क्या है? वो जो स्टेक्स के साइड पे नहीं होता आलू वाला। अच्छा, अभी ये मैंने फिर फ्रीजर में रख दिया, बटर ऐड होना है और इसमें थोड़ी क्रीम वगैरह ऐड करनी है। वैसे ये फ्रीजर में नहीं था तो मैंने फ्रीजर में अब रखा है मैंने। अच्छा, इसे थोड़ी सी लो करो, ये जल जाएगी वरना। और ये यहाँ पे सो रहा है। ये क्या मुँह पे क्या लगाया हुआ है? केक लगाया है। अच्छा, इरा को ये चप्पल बहुत पसंद है, राइट इरा? केक क्यों लगाया आपने? चलाओ मैं आपको दूं पानी। वो कल से तो टीवी लॉन में उसने निकाल के रखे हुए हैं। मैंने जरा डिफरेंट तरीके से बनाई है, इनकी वजह से। मैं कहा ये तो आने वाले पापा लजानिया शीट कहां वहां लेने जाएंगे, यहां से मिली नहीं। फिर मैंने उसे रोल रोल करके, मैंने चाय बनाई है। आपने क्या बनाई है? अच्छी बन गई है जुनेद, सबा ने आपका करके चिकन की बनाई। चलो ईशा शुरू कर लो बेटा, तुम हो रही हो के सही से बन नहीं जाए वीडियो। अरे खा गई है, मैंने फ्राइज भी, मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे तो। अच्छा जी, को हुआ कुछ यूँ था कि सबा के हस्बैंड आ गए थे। आपको मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो एक दिन पहले ही आ रहे थे, माशाल्लाह उन्होंने कार ली है माशाल्लाह। तो फिर ना हमने, इसने खाना ना रात का ही रेडी कर लिया था, मतलब इसने ये पाल लज़ानिया वगैरह हनीकॉम ब्रेड, लेकिन वो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे पे कर दिया क्योंकि वो डीलर बहुत लेट आया था। तो इस वजह से तो जब तक मतलब नेक्स्ट डे इसने बनाया ना, वो हनीकॉम ब्रेड इतनी हार्ड हो गई थी कि वो बिल्कुल खाने वाली नहीं था, बहुत वेस्ट हुआ खाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लज़ानिया भी बहुत अच्छी बनी थी, स्टेक्स भी अच्छी बनी थी, बस लिटिल बिट हार्ड हो गई थी। ये तो अब सबा देखेगी तो मुझे क्या कहेगी, फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगी। बाकी फिर इसके बाद हम लोग चले गए पप्पो की तरफ, रात का खाना उनकी तरफ था, बड़ी पप्पो की तरफ। क्या कर रहे हो आप तीनों? हाँ, पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो? बस जी, आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड।
और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।